मैं कुछ स्टॉक आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं जो बाइंग करना पसंद करते हैं तो मैं कुछ स्टॉक शेयर कर देता हूँ। जैसे लुपिन आप चेक कर सकते हैं, लुपिन का मैं आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ। फिर से कहना चाहूंगा वीकली में पहना हुआ पैटर्न है, तो ये देखेंगे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है और इसमें जो बाइंग बनती है 771 के आसपास बनती है, 773 है एसएल वही बनता है इसका, 678 का। बट फिर से मैं करूंगा टारगेट जो इसका वो मुझे लग रहा है कि ये आना चाहिए 900 के आसपास, और 900 रुपये मुझे लुपिन लग रहा है कि आएगा। बट वो 8773 है तो यहाँ से 750 भी आ सकता है। तो वो अगर जो लॉन्ग टर्म में करना पसंद करते हैं, जो होल्डिंग करना पसंद करते हैं, तो वो फिर बाइंग करें, फिर थोड़ा सा डिप आता है तो वहां पे एवरेजिंग कर सकते हैं। बट पैनिक ना हो, क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं ट्रेड तो बना लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बट वो क्या करते हैं थोड़ा सा नीचे आता है तो वो पैनिक हो जाते हैं, फिर पोजिशन काट देते हैं। वो भूल जाते हैं कि मैंने जो ट्रेड लिया है मेरा टारगेट 900 का है। तो अगर वहां से अगर मैं देख रहा हूँ कि 100-150 पॉइंट का मेरा टारगेट है और 10 पॉइंट्स मेरे से मार्केट रिवर्स हो गया, यानी कि मेरे अगेंस्ट चला गया, तो वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो लुपिन मेरे हिसाब से 900 के लिए जा सकता है, हो सकता है यहाँ से 750 भी आ जाए, तो वहाँ पैनिक नहीं है ना, वहाँ पे पोजिशन और बनानी है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि पहला ट्रेड में ही क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि 500 शेयर ले सकता हूँ तो 500 शेयर पहले ट्रेड में नहीं लेने हैं। 500 शेयर आप 100 से स्टार्ट कर सकते हैं, 200 से स्टार्ट कर, 300 से स्टार्ट कर सकते हैं, और कुछ पोजीशन को आपको एवरेजिंग करना करने के लिए रखना पड़ता है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपने बाय करा और वहीं से ही चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है।